अब तक की भरतपुर से बड़ी खबर, जहां आज सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच बड़ा हादसा हो गया। दरअसल भरतपुर में एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। मिराज में एक और सुखोई में दो पायलट सवार थे, इनमें से एक पायलट की मौत हो गई। हालांकि एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि नहीं की, अभी यह साफ नहीं है कि यह पायलट किस एयरक्राफ्ट का था। एयरफोर्स ने बताया कि दोनों ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। मीडिया रिपोर्ट से अब तक की जानकारी के मुताबिक टकराने के बाद दोनों विमानों के दो अलग अलग जगहों पर गिरने की आशंका है। एक प्लेन मध्य प्रदेश की मुरैना के पहाड़गढ़ में और दूसरे राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में गिरने की बात बताई जा रही है। मुरैना SP आशुतोष बागड़ी ने बताया कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के वायुसेना के दो विमान के टेक ऑफ करने की जानकारी मिली थी। इनमें से एक पहाड़गढ़ में क्रैश हुआ है और दूसरे विमान की सर्चिंग की जा रही है। इधर मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थावाला का दावा है कि दोनों पायलट को बचा लिया गया है। एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन मौके से मिली तस्वीरों में कुछ ऐसा भी है जिनसे किसी की मौत की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में भरतपुर के DSP अजय शर्मा ने बताया कि सुबह 10:15 के करीब प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली थी। मौके पर आने पर पता चला कि एयरफोर्स का फाइटर जेट है। हालांकि मलबे को देखकर अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह कौन सा फाइटर प्लेन है। अभी तक पायलट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं मुरैना में गिरे सुखोई में सवार दोनों पायलट घायल है, उन्हें ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। वहीं मुरैना के पहाड़गढ़ में हादसे की जगह से एक पायलट का हाथ भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि यह हाथ भरतपुर में गिरे मिराज एयरक्राफ्ट के पायलट का हो सकता है। मुरैना SP आशुतोष बागरे ने बताया कि ह्यूमन बॉडी का यह पार्ट किसका है इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। वहीं भरतपुर में एयरफोर्स की टीम पहुंच गई है, घटनास्थल से कोई भी पायलट नहीं मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट प्लेन एजेक्ट कर गए होंगे, अब इनकी तलाश जारी है। मुरैना और भरतपुर दोनों जगहों के घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ से मिलने की बात कही है, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भरतपुर में फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद इसके पुर्जे करीब 1 बीघा एरिया में बिखर गए हैं। जहाँ प्लेन का एक बड़ा हिस्सा गिरा है, वहाँ करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। इसे खोद कर पार्ट्स बाहर निकाले जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट गिर गया। वहीं घटनास्थल के नजदीकी रेलवे स्टेशन भी था।